कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले मेरे सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व का हमारा अमला, नगरीय निकाय के कर्मचारी, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, आप कोरोना के खिलाफ लड़िए, आपकी संपूर्ण सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस दौर में हुई है, उस घटना में शामिल अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं, लेकिन पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप तो लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है, इसलिए आप अपने काम में जुटे रहिए। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूं, मैं और पूरा प्रदेश आपके साथ। सर, आज की एक तो अपडेट, किस तरह की अपडेट है और जो कल घटना हुई उस पर किस तरह की कार्रवाई? कल की घटना में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों ने 5 कंपनी बल भी मांगा है, मेरा से आज तक आ जाएगा। ये घटना तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी। जो भी डॉक्टर हमारे लगे हैं, जो भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, वो 18 घंटे का 20 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग उन डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जैसे सरकारी जो बहुत स्ट्रेस में मरीज वगैरह थे, उनके लिए हम लोग अलग से होटल भी लिए चारों तरफ के, उनके रखने का इंतजाम भी करा रहे हैं। और इस तरह की बदतमीजी अगर डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होगी तो बहुत ही गलत बात होगी। और इसमें हम लोग उन्हें गिरफ्तार भी कर रहे हैं, उसे जेल जाएंगे ये, और लंबा जेल में रहेंगे ये, जल्दी छूटने वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं शहरवासियों से भी आप लोगों का आग्रह अपील करता हूँ कि जरा आपस में लोग बातचीत करके, और कहीं भी अगर इस तरह की कोई दुर्भावना की या कुछ बदतमीजी की बातें होती हैं पैरामेडिकल स्टाफ से, तो लोगों को समझाएं भी। हम लोग तो सब कार्रवाई कर ही रहे हैं, पर समझाई भी दें ऐसे लोगों को जो इस तरह के, जो सेवाभावी लोग हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं। वहाँ जो हमारी आशा कार्यकर्ता थी, उसका नाम मैं जकी या फातिमा जकी ऐसा कुछ नाम था उसके, बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है हमारी, बहुत मेहनत कर रही है उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे वर्कर्स में से एक वो है। उसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, उसको पुरस्कार भी हम लोगों को देंगे। खूब मेहनत से काम कर रही है स्टार्ट पट्टी वाकर भी। ऐसे लोग सर बदतमीजी को तो बिल्कुल भी शम नहीं होगा। नहीं सर, उस मामले में चिकित्सा दल के साथ, उसमें 2 पुलिस कर्मी भी थे, गए थे, तो अचानक एक जगह इस तरह की घटना घटी जिसको पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया। तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके, जो उसके मुख्य आरोपी, उसमें जो 4 लोग थे जिनका इस घटना के पीछे मुख्य रोल था, उन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें कुछ अन्य लोगों को भी वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी? मुख्यतः इसमें सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जो धाराएँ होती हैं उसके खिलाफ 353, 186, 188 जैसी जो धाराएं होती हैं IPC की, उनके अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई। सर, टोटल कितने लोग होंगे जिनपे कार्रवाई की गई? इसमें कुल 8-10 लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें से मुख्य जो थे 3-4 लोग जो उससे जुड़े थे, उनके वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान की गई और उन 4 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी उसमें जुड़े जो अन्य लोगों की पहचान करके उसमें अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। मोहतरम जनाब, मेरी आप तमाम हजार से गुजारिश है, जैसा कि हम पूरे शहर की मसाजिद से ये ऐलान भी कर रहे हैं कि इस वबा से, इस वायरस से किस तरह से बचा जाए, अपन भी बचें और दूसरों को बचाएं। लेकिन इसमें कुछ लोग गलतफहमी में मुलविस हो जाते हैं, कुछ लोग खामोखा गलत तरीके के वीडियो जारी कर देते हैं बच्चे, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आज ये जो माहौल हमारे इंदौर में है, हम अपने घरों में हैं, ऐसा नहीं पूरी दुनिया में जाके देखेंगे, सब जगह यह हाल है। अमेरिका के अंदर तो करीब 2.25 लाख मरीज आ चुके हैं, वहाँ भर्ती हो चुके हैं, बहुत बुरे हाल है, पूरी दुनिया परेशान है। इसका वाहिद एक ही इलाज है, अपने आप को हम बचाना है तो अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी आज खासतौर से आप लोगों से बोलने के लिए इसलिए मौका पड़ा कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सें हैं, वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हमारी जिंदगी की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। अगर हम
वो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम गलतफहमी में शिकार ना हो, उनसे इस तरह से ना पेश आए, उनसे समझ लें पहले क्या प्रॉब्लम क्या है, मोहल्ले के नौजवान समझ लें। ऐसा नहीं है कि ना हक उनको पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, उनमें पूरा सहयोग करिए भैया। ये हमारा इंदौर शहर है, हमारे इंदौर शहर की ऐसी तहजीब नहीं है, ये तहजीब हमारी भाईचारे वाली, मोहब्बत वाली, इत्तेफाक इत्तेहाद वाली है। सबकी मदद करिए, हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कामयाबी हासिल करेंगे। और बहुत जल्दी अब रमजान महीना आने वाला है, हम लोग अगर इंशाल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे तो रमजान बहुत अच्छे तरह से निकलेंगे। अल्लाह ताला हमारे शहर की, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया की हिफाजत अता फरमा, इंसानों की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह जो बीमार हो गए उनको शिफा अता फरमा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।